की तरफ जा चुकी है। सोल की स्क्वाड बहुत ही अर्ली उतरती हुई अपने क्वारी के लेफ्ट हैंड साइड वाले कंपाउंड्स की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है। यप, एंड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नेट की जो टीम है ड्रॉप ले रही है प्रिमोस के तरफ। यहाँ पे सोल की टीम क्वेरी की तरफ जानी चाहिए, बट नो, सोल की टीम राइटवर्ड आ रहे हैं एंड इन लोग कुछ डिफरेंट ड्रॉप कर रहे हैं। आई थिंक सोल इज गोइंग फॉर अ डिफरेंट ड्रॉप, कुछ नया करना चाह रहे हैं। इट्स गोना बी फन, लेट्स सी। या आई थिंक इन लोग मिलिट्री जाएंगे, बिकॉज नो रैप तो डेफिनेटली नहीं जाएंगे। आई थिंक इट्स गोना बी मिलिट्री बेस दैट दे आर टारगेटिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाइप की टीम चली गई गटका की तरफ, एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मिक्स एंड मैच। यहाँ पे सब टीम्स अलग अलग ड्रॉप ले ली। हाइप यूजुअली गटका की तरफ जाते हैं, वो हॉस्पिटल के जो नीचे वाले कंपाउंड से लूटते हैं, उनकी फाइट यूएमई के साथ बहुत बार होते हुए देखा है। बट ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ डिसीजन है टीम सोल का, क्योंकि यूजुअली उतरते क्वारी के लेफ्ट हैंड साइड पर, बट आज इन्होंने रियलाइज करा कि टीम आईएनडी नहीं खेल रही, तो व्हाई नॉट गो टू मिलिट्री बेस एंड टेक ऑल दैट लूट अगेन। वही सेम सब हो जाते हैं, रिवाइव देने का कोई भी चांस नहीं रहता। बट नेवर्थलेस रेगुलेटर्स इज बैक, हमेशा एक यू नो ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए भी सोचते, तो यहाँ पे धड़कने किसी की रुक भी गई थी। बट यस, रेगल्टॉस अभी जाएंगे जो बगल वाले कंपाउंड्स है उनको लूट करना चाहेंगे, और लूट करने के बाद सर्कल के अंदर प्रवेश करेंगे। तो टीम सोल को इस बार बहुत जल्दी रोटेशंस भी दिखानी पड़ेंगी। या आई गेस यहाँ पे एक टीम और थी, यू नो आई गेस इट वाज आईएनईएस जो यसना जाती थी, तो आई थिंक टीएसएम को आदत है वहाँ पे एक ना एक टीम आती ही है यसना, बिकॉज यसना इतनी बड़ी कंपाउंड है। फिक्सेस में हमेशा बोलता हूँ ऐसा कंपाउंड है वहाँ पे दो टीम्स तो इजीली ऑपरेट हो सकते हैं। आप उतरो, लूटो, निकल जाओ, आपको फाइट करने की भी जरूरत है इतनी बड़ी कंपाउंड। एमसीए के सूर्य डैमेज लेते हुए दिख रहे थे, अगर आपने देखा था थोड़ा सा ब्लड बाहर निकल रहा था, सो आई थिंक वहाँ पे उनको कहीं से डैमेज पड़ रहा था। एसजी यहाँ पे सेवरली जाते हुए उन्होंने अपने वो वाले ड्रॉप को कंप्लीटली छोड़ दिया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट आज तो जानवरा नहीं खेल रहे, फिर भी लोग रिपोर्ट का नहीं गए फिक्सर्स। यार नहीं, और एसजी हमेशा एक डायनामिक ड्रॉप करते हुए आ रही नजर आ रही, और जब जब फ्लाइट पाथ था सेवर
पास बड़ा स्कोप नहीं है, तो टू टाइम्स के सहारे यहाँ पे एसकेएस के द्वारा स्पॉट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और डेस्ट्रो ने एक अच्छा खासा रोटेशन मारा है, ऑन द टॉप एंड साइड चले जा चुके हैं। मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या टीम हाइप ने इस मूवमेंट पे ट्रैक रखा है, और टीम तमिल अजावे वो यहाँ पे अपने लूट वगैरह खत्म करके यहाँ पे रोटेशन देने के लिए आ चुकी है। टीम हाइप का अभी भी फाइट चलता हुआ टीम यूमी के साथ, और टीम एक्सट्रीम का शायद फाइट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे टीएसएम एंटिटी के साथ होगा वो नहीं देखने को मिला। हाउएवर यहाँ पे सर्कल जो है जॉर्जो पॉल की सर्दन साइड पे आई थिंक बनने को देखने को मिल सकता है, शायद एवरेस्ट पे भी बन जाए। अगर एवरेस्ट पे बनता है तो आई विल बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि टीम्स कैसे इसको अप्रोच करने वाली हैं। या मुझे लग रहा है जोन काफी ऊपर की तरफ कटेगा, बट लेट्स सी कि क्या होता है अल्टीमेटली, बिकॉज काफ़ी सारे टीम्स हैं जो अभी भी रोटेट कर रहे हैं। मैं देख रहा था एक बहुत ही क्लस्टर ऑफ टीम्स थे जो नोवरैप के ब्रिज की तरफ से निकल रहे थे, बट ओनली टाइम विल टेल की किस तरह से टीम्स रोटेट करते हैं, कैसे जोन के अंदर आते हैं। ऑलरेडी हम देख रहे थे कि ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि टीम तमिलास के प्लेयर्स आखिर गए किधर है, और मैं वेट कर रहा हूँ एवरेस्ट वाले जो पीक है वहाँ पे कौन जाता है, कौन सी टीम वहाँ पे अपनी यू नो स्ट्रॉन्ग होल्ड करता है। मीनवाइल कॉडल का यहाँ पे फाइट देखने को मिल सकता है मार्कस गेमिंग के साथ, यूजुअली होते हुए जा रहा है, और हर टाइम हमने देखा है क्योंकि कॉडल जब भी फाइट लेती है मार्कस गेमिंग कहीं ना कहीं से आ जाते हैं यहाँ पे कॉन्टेस्ट करने के लिए। आज एक 4v4 फाइट देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो मार्कस गेमिंग के प्लेयर्स मैक्स कास्ट जो है कितने अच्छे प्यारे फ्लैंक ले चुके हैं, और हस्तर भी अपने टीम के लिए एक अच्छा खासा फ्लैंक एंगल निकाल रहे हैं। एक्सिस्टेंस थोड़े से आउट ऑफ पोजी लग रहे हैं, बट वो भी अपने गाड़ी के द्वारा यहाँ से निकल जाना चाहेंगे और यहाँ से रिलोकेट करेंगे। शैडोज ने जरूर कुछ शॉट दिया, अपना पोजीशन भी रिवील कर दिया, अब उसके बाद गाड़ी में वो भी बैठ के यहाँ से निकल जाएंगे। और फ्रॉन्टेन आप देखो कितना लॉन्ग रोटेशन डाउन पीछे की तरफ से पकड़ सकते थे, बट एक अच्छा डिसीजन टीम मार्कस गेमिंग के प्लेस के द्वारा निकलने के लिए, बट यहाँ पे क्रॉन्टेन ने मार्कस गेमिंग के डूड को नॉक कर दिया। मीनवाइल स्ट्राइकर ने भी वहां पे डेस्ट्रो को नॉक कर दिया है, और अब भीष्मा यहाँ पे मिसेस फ्रे को नॉक करते हुए, बट टीम तमिलस विल फिनिश ऑफ भीष्मा, और इसी के साथ टीम तमिलस पूरी की पूरी टीम यूएमई को वाइप करती हुई, और मिस्टर स्प्रे को बेयरली 1 HP पे रिवाइव दिया जा रहा है। वहाँ पे विनमेल इवो ने क्रॉन्टन को पिक ऑफ किया, एंड जोनाथन ने वहाँ पे सिल्वी को पिक ऑफ किया। टीएसएम वर्सेस एसजी, एंड यहाँ पे गॉडल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टाइम बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय मल्टीपल टीम्स और मल्टीपल साइज। यहाँ पे क्रॉन्टन कंफर्म होते हुए एंड जोनाथन टीएसएम को वहाँ पे पुश आते हुए एसजी पे डायरेक्ट। यहाँ पे स्ट्राइडर काफी ज्यादा लो है, नियो काफी फुल एचपी में है, तो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एसजी के प्लेयर्स। वहाँ पे मॉर्टल डूब के मर गए, एंड हाँ वो डूब के मर गए मॉर्टल वहाँ पे, एंड दर्दनाक मौत यहाँ पे सोल के टीम के लिए। एंड यहाँ पे TSM के प्लेयर्स यहाँ पे होल्ड करते हुए रेगल्टॉस भी प्ले जोन से गए, एंड पूरी की पूरी सोल की टीम आई थिंक प्ले जोन से फिनिश हो गए। यस आई थिंक शायद डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, क्योंकि और उसके अलावा मुझे कोई रीजन नहीं लगता, क्योंकि कोई फाइट भी नहीं नजर आ रहा और वाइपर भी फिनिश हो गए, तो साथ ही साथ पूरी की पूरी सोल धीरे धीरे यहाँ पे मेल्टडाउन करते हुए नजर आएंगी। टीम सिनर्जी यहाँ पे हाउएवर कमबैक कर चुकी है, और नियो को यहाँ पे श्राइडर ने स्पॉट कर लिया था, एक अच्छा खासा ओपनिंग था बट श्राइडर ने उसका फायदा नहीं उठाया। टेड ने डेफिनेटली नियो को नॉक करा, बट क्लच गॉड ने यहाँ पे श्राइडर पे नॉक निकाल दिया। घातक ऑन फ्रॉम द फ्लैंक एंगल यहाँ पे पुश इन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जॉनाथन ने यहाँ पे और एक बेहतरीन नॉक निकाला है। टीम TSM NTT यहाँ पे टीम SG के ऊपर हावी होती हुई, और अमन यहाँ पे उनके टीम के लास्ट मेंबर सर्वाइविंग, और वो भी आई थिंक कुछ ही देर में फिनिश हो जाएंगे। जॉनाथन यहाँ पे नेट फेंकने की कोशिश करेंगे टेड के ऊपर, और ऑलमोस्ट यहाँ पे उनको नॉक होने के कगार पे आ चुके हैं। टेड यहाँ पे अपने फ्लैंक होल्ड करते हुए श्राइडर को कोशिश करेंगे कि स्मोक डाल के जितनी जल्दी रिवाइव कर दे और अपने टीममेट को बचा सके तो उनके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे एसजी के लिए काफी डिफिकल्ट सिचुएशन उनके सामने है, टीएसएम वाली टीम, तो काफी ज्यादा दिक्कत होना है उनके लिए। लेट्स सी कि यहाँ पे एसजी वर्सेस टीएसएम, यहाँ पे आई थिंक टेड को ड्रॉप शॉट लेना होगा टीएसएम पे कूद के, ट्रेडर श्रेडर को उनको नीचे कूदना होगा, एंड फिर जाकर शॉट लेगा। आई थिंक श्रेडर हील हो सकता है, हो गए, एंड सिर भी वहाँ पर रिवाइव हो जाएगा। टीएसएम कहीं यहाँ पे गलती ना कर दे कि दे गिव द ओपोनेंट टीम अ चांस टू हील अप। यस और यहाँ पे टीएसएम एंटिटी का अगर देखो नियो और घातक एक ही बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, और श्राइडर का यहाँ पे नेड़ आ चुका है, बट नियो ने इंस्टेंट की पुशिंग कर दिया श्राइडर को नॉक करते हुए। अभी जॉनाथन के ऊपर बहुत ज्यादा भार आ जाता है, क्योंकि उनको कवर फायर देना पड़ेगा, उनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि घातक को जिंदा रख पाए। क्लच गॉड यहाँ पे ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं, और जॉनाथन यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, जॉनाथन आई गेस और उसको नॉक भी कर दिया, एक एक के द्वारा फिनिश करने की कोशिश। यहाँ पे टेड के साथ बहुत अच्छा फाइट चलता हुआ, नियो का भी उनके ऊपर अच्छा खासा बैकअप आता हुआ, सिर्फ अभी भी बचे बट बहुत ही सक्सेसफुल हो गए।
यप आई थिंक बहुत ही प्यारा टीएसएम की तरफ से फाइट क्लच गॉट का, हालांकि उनको लॉस लेना पड़ा बट देन इज फाइन। यहाँ पे घातक को नेसेसरी हो जाता है कि आपके पास अच्छे खासे स्कोप भी है कि नीचे वाले टीम्स को नॉक करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास स्कोप नहीं रहेंगे और जो नीचे वाली टीम के पास अगर 4 टाइम्स या फिर 6 टाइम्स या फिर 8 टाइम्स रहेगी, तो अब वो आप पे इंस्टेंटली नॉक ले सकते हैं और पुश इन भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर रहते हो तो चारों तरफ से आप ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहोगे, आप ही एपिसेंटर रहने वाले हो। तो यहाँ पे पावर 888 के प्लेयर्स 3 वेयरहाउसेस के कंपाउंड्स की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड कर चुके हैं टीम। सेल्स की स्क्वाड किसी भी मोमेंट उनके ऊपर पुश कर सकती है, बट वेट कर रहे हैं कि एक नॉक निकाल पाए। एक नॉक निकालने के बाद फुल पावर पुश देखने को मिलेगा टीम सेल्स के, आतंकी अपने टीम के लिए चार्ज लीड करते हुए। अल्ट्रॉन यहाँ पे विजिट टावर के अंदर बैठे हुए, यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं एक लेफ्ट हैंड साइड से अगर एक अच्छा एंगल बन जाता है, अगर एक या दो नॉक्स निकाल सकते हैं तो टीम सेल्स पुश इन कर जाएगी। और यहाँ पे जोन सभी का काटता हुआ इस बार हम लोग को फाइनली बहुत दिन बाद तक देखने को मिलेगा जॉर्जोपॉल कंटेनर्स का सर्कल। तो जॉर्जोपॉल कंटेनर्स का अगर सर्कल देखने को मिलता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज खुल जाती है, आप कृपया दर्शकों को बता दें। यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉर्जो पुल के सर्कल में क्या होता है, बिकॉज ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होता है। वहाँ पे रिजेस भी रहेंगे कुछ, यहाँ पे पीछे से वेयर हाउस भी रहेंगे, वेयर हाउस वाले लोग स्ट्रगल करते हैं क्रेट्स पे आने पे, एंड देखते हैं कि पावर के आए हुए रखे हैं। और एमजे ने यहाँ पे नेट के अटाइल 10K को नॉक करते हैं और नेट के द्वारा उनको फिनिश भी कर नेट के द्वारा नेट की स्पॉट के अटाइल 10K को फिनिश करते हैं। आईफोन ने जरूर एमजे को वापसी नॉक निकाला, बट PW888 के आइसिस ने यहाँ पे नेट के प्लेस के ऊपर भी शॉट लिया। टीम फनाटिक के रौनक को रिवाइव करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है, बट ये सर रिवाइव करने में भी सक्षम रहेंगे। और टीम तमिलास के स्ट्राइकर और कैरी आप देख सकते हो ऑलरेडी वेयरहाउस में अच्छा खासा पोजीशन लेके रखे हैं। मीनवाइल पैराडॉक्स ने यहाँ पे पावर हाउस के जीब्रा को भी नॉक और फिनिश कर दिया है। यप एंड यहाँ पे हम आ चुके हैं लास्ट 12 टीम 37 प्लेयर सब लोग कंटेनर्स के अंदर है। बहुत इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलेगा, बहुत सारा टीपीपी लेते हुए हमें मिलेंगे टीम्स। लेट्स सी रेवन टीटी के कैरी वहाँ पे जीवी और आइसिस पे पुश करते हुए नेट को कर रहे हैं, एंड आई थिंक उनको पता है नहीं आइसिस लेफ्ट तरफ नहीं है रॉन्ग नेट, ज़्यादा कुछ होगा नहीं इससे, आइसिस वहाँ हिल हो गए। एंड यहाँ पे अब रेवन टीटी के कैरी पुश कर रहे हैं, उनको शायद पता है कि यहाँ पे जीवी चल रहा है, बट ही रियलाइज की इवेंट ऑफ वो राइट की तरफ से आएंगे। आइसिस वहाँ पे आप देख सकते हो पूरा बैक ऑफ कर गए, इनफैक्ट वो दूसरे वेयर हाउस के तरफ चले गए। वहां पे जीवी के लिए नेट कुक कर रहा है, कैरी को इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, वो सिंपली जाके भी इनको पैन करेंगे रिवेंडिटी का कैरी। एंड यहां पे 3 किल्स अपने लिए सिक्योर करते हुए 11 टीम 35 प्लेयर काफी टीम्स को जोन के अंदर आना है। गॉडल पीछे शायद स्क्वाड हाउस पे फंसी हुई है, एंड सेल्स की टीम जो वो हिल पे आ चुकी है, पर उन सभी को घूमना होगा। यस, और टीम तमिलास के मिस्टर स्प्रे की तरफ आप एक बार नजरें रखें तो यहाँ पे अपना ADS खोल रखा है, सामने काफी सारे प्लेयर्स हैं बट कोई भी स्पॉट आउट नहीं हुआ है, कोई भी रिवील नहीं हुआ है। वापस से यहाँ पे कॉडल के गेल कार98 चलाते हुए नजर आ रहे हैं। टीम तमिलास के कैरी यहाँ पे जो वाटर टैंक के पास टीम सेल से उनके ऊपर नजरें गाड़े हुए, अल्ट्रॉन यहाँ पे नीचे गिरते हुए, आई थिंक फाइनल जोन फाइट हम लोग को देखने को मिल सकता है। या बिल्कुल सही कहा आपने, काफ़ी इंटरेस्टिंग लास्ट सर्कल हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे फनेटिक के प्लेयर्स स्मोक पाथ बना के पुश करते हुए जोन के अंदर आ चुके हैं, उनके एक तरफ है। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा नेट रेवन टीटी के कैरी से, एक नेट से दो प्लेयर को ले गए। फ्रेंकी इज एट 1 HP, यहाँ पे सीधा पुश करेंगे, एंड फ्रेंकी को वहाँ पे उनको टेक कर लेना था, टेक डाउन कर लेना था, पर नहीं करे। एंड यहाँ पे फ्रेंकी आए, एक जन को पिक ऑफ किया, वहां पे स्ट्राइकर काफी लो है, फ्रेंकी दो जन को पिक ऑफ करते हुए, एंड यहाँ पे रेवन टीटी इज माइट गो फॉर अ चोक। एंड यहाँ पे फनेटिक के पास बहुत ही प्यारा अपॉर्चुनिटी है अपने टीम के लिए और किल्स निकालते हुए, एंड क्या ही रेवन टीटी ने किया यहाँ पे, क्या प्यारा अपॉर्चुनिटी था उनपे, दे कुड हैव इजीली वाइप्ड आउट फनेटिक, बट नो, फनेटिक प्लेड रियली स्मार्ट, फ्रेंकी प्लेड एक्सीलेंटली, अपने टीम के लिए दो नॉक निकाले, चारों प्लेयर्स को रिवाइव करेंगे। एंड आपको क्या लगता है फिक्सेस, क्या फनेटिक यहाँ पे एक चिकन की तरफ बढ़ रही है, बिकॉज जोन के अंदर है, चारों प्लेयर्स अलाइव है, सारे प्लेयर्स आसपास है, एक मैसी फाइट है, बट इट कुड बी अ गुड फाइट, इट्स ऑल ऑन गन पावर। Yes, और BSG क्रॉलर्स यहाँ पे कोशिश करेगी टीम फनाटिक को जोन के अंदर प्रवेश ना करने दे। मीनवाइल नियो ने वहाँ पे डार्क को नॉक करके इंस्टेंटली फिनिश कर दिया। ईवो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं गराज के तरफ एम मार्कस गेमिंग के प्लेस के ऊपर शॉट्स निकाले, और स्काउट को यहाँ पे रिवाइव भी कर दिया गया। और यस, अब पूरा श्रेय जाएगा यहाँ पे फ्रांकी की तरफ, और थोड़ी सी चूक भी हुई वहाँ पे कैरी के द्वारा, अगर वो पुश इन कर जाते तो शायद यहाँ पे फ्रांकी को इंस्टेंटली नॉक भी कर सकते थे। बट टीम फनाटिक यहाँ पे चारों तरफ स्मोक्स डाल रही है, बट पाथिंग स्मोक अभी तक नहीं डाला उन्होंने, और स्काउट
के पास आप देख सकते हो यूटिलिटीज के नाम पे सिर्फ एक ही फर्स्ट एड है। कोशिश करेंगे टीम तमिलास की जो लूट है वो निकाल सके। और फ्रैंकी यहाँ पे पीपी मोड में स्विच इन कर चुके हैं। उत्सार्गा ने मेन बॉल वहां पे आइकॉनिक को नॉक कर दिया। अल्ट्रॉन पीछे की तरफ से ऑनकोर को नॉक करते हुए काजी ने वहां पे आइकॉनिक को नॉक कर दिया। फ्रैंकी यहाँ पे फाइनली टीम तमिलास के स्ट्राइकर और मिस्टर स्प्रे का जो किल है वो उनको मिलता हुआ। अल्ट्रॉन यहाँ पे ऊपर चढ़ गए थे और विल हैव टू पे द हेफ्टी प्राइस, क्योंकि ऊपर जा रहे हो तो आपके पास चारों तरफ से अटेंशन रहता है, डाइवर्ट होती है कि और सारे प्लेयर्स जो है आपके साउंड भी सुनते हैं। तो यहाँ पे पावर ट्रिपल एट के आईसीएस के भी साथ भी वही सेम हश्र हुआ है यहाँ पे। था या बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे फनेटिक को आप देख सकते हो कि दो किल ले चुके हैं, 9 टीम 26 प्लेयर बचे हैं। आई थिंक बहुत टाइम बाद हमें कितना इंटरेस्टिंग लास्ट सर्कल देखने को मिल रहा है। लाइक फिफ्थ सर्कल में कॉम्पिटिटिव है ये फिफ्थ सर्कल, इट्स नॉट लाइक अ बेसिक फिफ्थ सर्कल जहाँ पे प्रोन करके है कि आप प्रोन करके कुछ नहीं होगा। यू आर इन द कंटेनर्स, कंटेनर्स के बीच में आप फंसे हुए हो, आपको टीपी भी लेना, आपको अपना गन पावर दिखाना है। यहाँ पे फनेटिक को जोन के अंदर नहीं आना, बट देन अगले जोन में इनको दिक्कत होगी। उनके सामने वीएसजी की टीम है एंड यस जोन कंप्लीटली टीम नंबर 12 विच आई थिंक इज पावर ट्रिपल ए उनके फेवर में शिफ्ट होते हैं। और आई थिंक दैट्स एमजीजेड, आई थिंक एमजीजेड की टीम है, सॉरी टीएसएम की टीम है, टीएसएम की टीम पे पूरा जोन शिफ्ट होते हैं। फिक्सेस आई थिंक टीएसएम एक खराब वीक में फाइनली चिकन डिनर लेगी। यस, और ऑलरेडी आप देख सकते हो जोनाथन ने रोटेशन भी निकाल दिया, वहां पे उस तरफ से भी प्रेशर बनाए हुए रखना चाहेंगे। और दिक्कतें ये दोनों टीम्स के लिए होने वाली, आप कैसे ओपन में जाते हो, यू एटलीस्ट नीड यहाँ पे 5 या 6 स्मोक ग्रेनेड्स अगर नहीं आपके पास, अगर वीएसजी क्रॉलर्स को आप वाइप आउट नहीं कर सकते हो तो आप जोन के अंदर भी प्रवेश नहीं कर सकते हो। अगर आप कर भी देते हो टीएसएम एंटिटी जैसी स्क्वाड यहाँ पे रिज के नीचे आपका इंतजार कर रही है, तो टीम पावरहाउस के नोवा किंग को शायद यहाँ पे जोनाथन स्पॉट कर देंगे। देखते हैं यहाँ पे जोनाथन का कैसे मूवमेंट रहता है टीएसएम एंटिटी के पास। ये एक बहुत अच्छा मौका है कि इस गेम में चिकन डिनर निकाले। मार्कस गेमिंग के शैडो यहाँ पे जोन के अंदर कोशिश कर रहे हैं अंदर आने की, बट उसके ऊपर शॉट किया जाएगा, काफी ज्यादा डैमेज दे चुके हैं। नियो ने यहाँ पे उनको नॉक भी दे दिया। मैक्स काश कोशिश करेंगे उनके पास गाड़ी रोकने की और वहीं पे उनको रिवाइव करने की। सूर्या के ऊपर भी शॉट डालते हुए यहाँ पे टीएसएम एंटिटी के नियो दूसरा नॉक भी निकालते हुए यहाँ पे मैक्स काश को भी खतरे में डाल सकते हैं। और मैक्स काश को अल्ट्रॉन ने यहाँ पे नॉक कर दिया। टीम मार्कस गेमिंग यहाँ पे ताश के तो की तरह बिखरती हुई नजर आती हुई द टू टी द लास्ट मेंबर सर्वाइविंग यहां पे तक। यप, एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि फनेटिक के वहाँ पे स्काउट ने वीएसजी की वो को नॉक किया। ऐश यहाँ पे एक नेट कुक कर रहे हैं, देखते हैं फनेटिक को दिक्कत होगी यहाँ से जोन के अंदर, उनके सामने टीएसएम की स्क्वाड है। फ्रैंकी वहाँ पे पोजीशन ले चुके हैं, वीएसजी के और एक प्लेयर को शायद नेट से नॉक हुआ है, वो ऐश का नेट था। यहाँ पे मीनवाइल आई थिंक फनेटिक को किल्स टारगेट करना चाहिए, जोन में जाना आई एम नॉट रियली श्योर इजी होगा इन यू का, बट फॉर श्योर दे कैन इजीली मूव इनसाइड द दे कैन गेट मोर किल्स जोन में जाना, क्योंकि दिक्कत हो सकता है। फ्रैंकी यहाँ पे मूव कर रहे हैं ओपन में एंड प्रोन हो गए, आई थिंक वेरी क्लोज टू द जोन बट स्पॉट हो गए, एंड दैट्स अल्ट्रॉन स्पॉट किए पर नियो ने वहाँ पे पिक ऑफ किया एश को। फ्रैंकी इज ऑल्सो वेरी लो ऑन हेल्थ, स्काउट कन्फर्म हो चुके हैं, रौनक अकेले बचे एक तरह से, एश को वहाँ पे कन्फर्म करेंगे नियो एंड फ्रैंकी भी वहाँ पे बचते हुए। आई थिंक टी एस एम इज गोइंग फॉर अ चिकन डिनर, तो काफी ज़्यादा पोजिशन है, सेल्फ के पास भी काफी अच्छा पोजिशन है। सक्सेस टीम सेल्स, बट आप मेगा स्टार्स को रूल आउट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेगा स्टार्स भी वही सेम रणनीति अपना रही है। और टीएसएम एंटिटी के घातक यहाँ पे नॉकआउट हो चुकी है, ये एक अच्छा मौका है मेगा स्टार्स के प्लेयर्स के पास पुश करने के लिए, क्योंकि पैराडॉक्स ने यहाँ पे नियो को भी नॉक कर दिया है। क्योंकि अभी अगर आप उन पे पुश नहीं करते हो टीएसएम एंटिटी जैसी टीम को, अगर आप जिंदा बचने देते हो तो वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। आतंकी मीनवाइल फनाटिक के रौनक को फिनिश ऑफ करते हुए जोनाथन यहाँ पे कोशिश करेंगे जितने देर रोक सके तो बेटर रहेगा। फ्रैंकी यहाँ पे हील बैटल के लिए ऑप्ट कर चुके, टॉप 5 टीम्स यहाँ पे आ चुके। टीम सेल्स के एमजे फाइनली मेकिंग इट इनटू द टॉप 5, और अच्छा खासा गेम भी इन्होंने इस बार निकाला है, 5 किल्स यहाँ पे बता रहे हैं। डेफिनेटली अल्ट्रॉन को खो दिए, बट अल्ट्रॉन ने भी अपना जितना भी भुगतान है उन्होंने भी कर दिया है। और यहाँ पे टीम सेल्स के प्लेयर्स को बहुत ही केयरफुली यहाँ पे सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। जोनाथन हाउएवर घातक को अभी भी जिंदा रखते हुए टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स इस गेम में बहुत ही प्यारा खेल रहे हैं, 9 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जोनाथन ने यहाँ पे 3 किल निकाला, तो फाइनली यहाँ पे एक प्रॉपर टीम गेम टीएसएम एंटिटी की तरफ से जो इसके लिए वो लोग जाने जाते हैं वो देखने को मिल रहा है। सेल्स के आतंक ही देखते हैं मेगास्टार्स के अगेंस्ट कैसे झुलसते हैं। यस, डाउन टू लास्ट 4 टीम्स, 3v3v2v1 का सिचुएशन है यहाँ पे। सेल्स और मेगास्टार्स दोनों पे 3-3 प्लेयर्स है, पर वहाँ पे टीएसएम एंड सेल्स के रॉक्स को देखो आप,
वो अलग ही जगह पे है, ही इज एट एंटायरली डिफरेंट स्पॉट। वहां से वो शायद कुछ नहीं कर पाएंगे अंटिल मेगा हैविली इन्वॉल्व हो जाती है सेल्स के साथ फाइट में, तब रॉक्स उनको थर्ड पार्टी पीछे से आके कर सकते हैं, बैक स्टेप कर सकते हैं, बट ओनली टाइम विल टेल। यहाँ पे TSM जोन में है ऑलमोस्ट, उनको थोड़ा सा ऊपर जाना है, उन लोग जोन में रह जाएंगे, बट मेगा और सेल्स इन दोनों के लिए काफी दिक्कत होने वाला है। तो लेट्स सी कि किस तरह से अप्रोच करते हैं तीनों के तीनों टीम इस जोन में। वहां पे रॉक स्पॉट हो गए एंड वहां पे वैक्सी ने मेगा का गेम पूरा चेंज कर दिया है। में रॉक्स ने घातक यहाँ पे डेफिनेटली रॉक्स को स्पॉट कर लिए होंगे एंड घातक वहाँ पे शायद पीछे से एक नेट कुक करने की कोशिश चल रही है। आई थिंक दैट्स अ रियली गुड स्ट्रेटजी एंड यहाँ पे शायद मेगा के प्लेयर हील हो जाएंगे। वहाँ पे एक प्लेयर सेल्स से कंफर्म हो गया आतंकी वैक्सी को पिकअप कर सकता है एंड नो मेगा इज डूइंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। यहाँ पे उन लोग थोड़ा सा अपना पेशेंस खो बैठे, घातक पीछे जा चुके हैं एंड वहाँ पे किल कंफर्म करते हुए अपने टीम के लिए TSM यहाँ पे चिकन डिनर ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा तरीके से उन लोग टाइम कर रहे हैं अपने थर्ड पार्टी को एंड डोंट फॉरगेट MGZ इज स्टिल अलाइव। MGZ की जो डूड है वो शायद अगर जोन के अंदर आए देन ही इज अ गुड अपॉर्चुनिटी एज वेल। Yes, और जॉनथन ने यहाँ पे वैक्सी और स्वैग का जो खेल है वो कंफर्म कर दिया। लास्ट बचे पैराडॉक्स, तो जो एक चिकन डिनर शायद मेगास्टार्स के खेमे में जा सकता था वो शायद अब फिसलते हुए नजर आ रहा है। टीम TSM NTT के जॉनथन और घातक को जोन का डैमेज लेके सर्कल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा और द डूड ने यहाँ पे पैराडॉक्स को फिनिश कर दिया। द डूड यहाँ पे कोशिश करेंगे जॉनथन को भी स्पॉट आउट करने के लिए और बहुत ही प्यारा स्प्रे यहाँ पे द डूड का, हेड शॉट लगाते हुए जॉनथन को इंस्टेंटली नॉक कर दिया। यही मौका है यहाँ पे मार्कस गेमिंग के द डूड को पुश करने के लिए। अगर एक नेड होगा, अगर वहां पे वो डिब्बे के पीछे फेंक सकते वो नेड अगर कनेक्ट कर जाएगा तो मजे आ जाने। मार्कस गेमिंग आज के जो दिन की अंतिम क्षणों में एक बहुत ही प्यारा गेम प्ले निकालेगी और द डूड ने यहाँ पे घातक को भी नॉक कर दिया। वेट कर रहे हैं यहाँ पे जॉनथन के फर्स्ट एड लगाने का। मार्कस गेमिंग के द डूड बहुत ही प्यारा प्रदर्शन देते हुए धीरे धीरे आगमन करते हुए टीम TSM के जॉनथन की तरफ। जॉनथन के ऊपर अभी मोमेंटम नहीं है, द डूड ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा कैपिटलाइजेशन कर लिया है। द डूड को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता हुआ, कूदेंगे यहाँ पे रिलोड भी करेंगे और द डूड यहाँ पे घूमते हुए जॉनथन को स्पॉट आउट करेंगे। बट एट द सेम टाइम आई थिंक द डूड हैज डन इट एंड टीम मार्कस गेमिंग taking that beautiful beautiful chicken dinner यहाँ पे तक। What a chicken dinner fixes the dude ने क्या ही play दिखाया है। Going against Jonathan in a 1v1 and taking him down, I think the dude just killed it. He did it like a dude. 5 kill अकेले अपने टीम के लिए and that's the only kill that his team could get and उन्होंने 1v2 किया घातक और जोनाथन को। Can you believe it? I have never seen ऐसा कभी कोई दूसरी टीम चिकन डिनर लेने के लिए TSM के अगेंस्ट किया। It was dark जिन्होंने काफी टाइम पहले किया था बट वो काफी अलग सर्कमस्टेंस था। बट यहाँ पे द डूड ने जोन के बाहर से